सो अभी सुबह हो चुकी है, पंछी भी उठ चुके हैं। उठते ही एक दूसरे को बताते हैं कि हम उठ चुके हैं और सोने से पहले भी एक दूसरे को बोल के सोते हैं। सुबह के अभी बज रहे हैं वैसे 6 बज रहे हैं आ रहा हूँ, लेकिन मॉम का अभी सभी हो चुका है कुकिंग वगैरह। लेकिन मॉम जब कुकिंग करती है ना, तो उस वक्त के गाने मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आजकल मॉम ने सुबह गाने लगाने कम कर दिए हैं, उसके बजाय खुद ही गाती है वो। उसने थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर दिया है यार। जैसे पंछी चहकते हैं वैसा गाने गाते हुए वर्क करना बहुत इजी और वो ऐसा एक स्पेशल हो जाता है। ये हमारे घर के पंछी हैं क्योंकि बाकी पंछी बाहर, ये अंदर हमारी क्या बोलते हैं उसको, कोयल है ये हमारे यहाँ। आजकल पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा बढ़ रही है, पूछो मत। इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। घर से मैं निकल रहा था, सभी रेडी वगैरह हो गया, कॉलेज की सभी तैयारी कर ली, बाइक से मैं आ रहा था कॉलेज के लिए। रोड में तो इतना ज्यादा ट्रैफिक लगा नहीं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुँचा, ये वैसे फुटपाथ है, फुटपाथ पे पूरे पेड़ काट के डाले हुए हैं, और यहाँ पे देखिए फुटपाथ पूरा भर के ट्रैफिक ही ट्रैफिक भाई। रोड की दोनों लेन्स पूरी भर चुकी थी, फुटपाथ पूरा भर चुका था, और हर एक कार में या फिर बाइक पे 2 या 3 लोग थे। कितने लोग होंगे भाई वहाँ पे। फिलहाल कॉलेज में फुल स्पोर्ट्स का माहौल है, फुल भाई। स्पोर्ट्स का माहौल हो या ना हो, हमको फ्री टाइम में करनी है जर्नल कम्प्लीशन, और मेन कॉलेज के टाइम में करने हैं लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स। तो इस टूल से स्ट्रगल करते हुए हम पहुंच गए अपने लैब में, और यहाँ पे मुझे एक शॉट दिमाग में आया कि हम दोनों अभी, ये शॉट मेरे दिमाग में क्यों आया मुझे पता नहीं, लेकिन हम दोनों, मेरा दोस्त और मैं मिल के सिंक्रोनाइज्ड तरीके से पानी पिएंगे। ये बियर्ड है, ये हम दोनों को पता था, और इसी की वजह से हम हंस रहे हैं। Take one. Get in the cake. Two hours later. वेस्ट मैनेजमेंट के हमारे कंटिन्यूस 2 लेक्चर्स हुए, उसमें पूरा बॉटनी पढ़ा है उसमें लिटरली, और डीप वाला बॉटनी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला बॉटनी होता है वो, इसकी वजह से ये ठीक है। पर ये बॉटनी के सख्त खिलाफ है। खिलाफ नहीं यार, 2 घंटा होता है फोकस। बात तो सही है, 50 मिनट्स का एक कितना हो गया, 100 मिनट्स कंटिन्यूस डीप बॉटनी सब डायग्राम वायग्राम निकाले। अच्छा नहीं है लेकिन निकालें, क्योंकि बहुत फास्ट बैठा है। कलर भी कलर भाई ने दो, ये म्यूटेटेड नहीं, डिजायर्ड जीन है, ये हमको इंसर्ट करनी है प्लाज्मा में और वो प्लांट में। सो ये बेसिकली एक बात पता चल गया, मैडम को पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। क्या उनको लगता है उनका डायग्राम हो गया फिर हमारे पास, उनके पास 10 इंच का बोर्ड है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर का बोर्ड। हाँ मैच करा था। पहले तो मैम डायग्राम निकालने लगी, हम अच्छा डायग्राम डायग्राम, और फिर उन्होंने बोला हो गया डायग्राम निकालना, अच्छा हम बोले अच्छा निकालना है, फिर स्टार्ट किया हमने। इसकी वजह से मेरा ऐसा है। Meanwhile भाई लिटरली बहुत ज़्यादा धूप है आज, बहुत ही ज़्यादा। सो रीच होम गाइज, अभी बज रहे हैं 5 और घर पहुंचा मैं 4 बजे। थोड़ा सा खा लिया, पी लिया, फ्रेश हो लिया, मॉम डैड के साथ कुछ गप्पे लड़ाए, फिलहाल वो दोनों गए हुए हैं बाहर। हम कर लेते हैं जर्नल कम्प्लीशन। आज लिटरली इतना लिखने को दिया गाइज कि ये जो पेन है आप देख रहे हैं ये पूरा खत्म हुआ है एक दिन में। जस्ट साइंस थिंग्स, ये पेन इतना था। आज सुबह जब मैं कॉलेज गया, अब देखिए
एनीवेज सो जर्नल कंप्लीट करते हैं. सो हमें जर्नल में करना है कुछ कीड़ों के डायग्राम्स निकालने हैं. वैसे आज है सोमवार और सोमवार से मुझे एक चीज याद आ गई सुबह, वो मैं आपको बताना भूल गया. सोमवार मतलब है भगवान शिव जी का वार, राइट. सो हम शिव जी को जब भी जाते हैं तब जल चढ़ाते हैं या फिर दूध चढ़ाते हैं, तो उसके पीछे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था वो तो राक्षस और देवों ने मिल के किया था, लेकिन समुद्र मंथन के बाद अमृत भी निकला था, विष भी निकला था. अमृत तो सब लेने के लिए तैयार थे, लेकिन विष की बारी आई तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था. ना ब्रह्मा जी तैयार थे, ना विष्णु जी तैयार थे. सो अब अनादर सुप्रीमसी ब्रह्मा विष्णु महेश में से रह गए शिव जी. तो सभी देव शिव जी के पास गए और उनको विष लेने के लिए कहा. तो शिव जी तो हैं बोले, तो उन्होंने विष ले लिया और अपने कंठ में इधर धारण कर लिया. लेकिन वो विष तो इसकी वजह से उनको नीलकंठ नाम ऐसा हम कहते हैं कि उनका कंठ नीला है ना. लेकिन विष तो विष है, जहर तो जहर है. तो ये जहर पीने के बाद शिवजी को ऐसा बहुत जलन होने लगे अंदर से, है ना, ऐसा आग जैसा अंदर से होने लगा. सो वो न्यूट्रलाइज करने के लिए शिवजी पर ठंडा जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ताकि वो उनकी जो वो आग है अंदर की यहाँ की वो शांत हो सके. सो ये एक मैंने कहानी पढ़ी है, कुछ गलती हुई है तो माफ कर देना, लेकिन हाँ ये मेरे ऐसा पढ़ने में आया है. चले तो अब फिर से लगते हैं जर्नल कम्प्लीशन के लिए. तुम्हारे भाई ने स्किन का डायग्राम निकाला है, बताइए जरा कैसा है कमेंट सेक्शन में. ये टूथ है जो ओपन है, जो ढका हुआ नहीं है, और वो जो है ये है हेयर, और ये स्किन के अंदर कुछ ऐसा होता है. ये इतने सारे चीजों का मिलके स्किन बनता है. मीनवाइल ये पुणे के एरिया में धनकवड़ी जो एरिया है वहाँ पे स्थित है शंकर महाराज स्थल. तो कात्रज से आएंगे तो भी आपको ये नजदीक है, नहीं तो स्वारगेट से आना पड़ेगा. हमारे यहाँ से वास्तु के 10-12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर है. बहुत सारे लोग यहाँ बाइक या कार फ्लाइर हो तो यहाँ पे गाइस आप उनको चाय वगैरह रख सकते हो, उनको चाय बहुत पसंद है ना, और यहाँ पे टेंटी वगैरह दी जाती है. किसी भी मंदिर में गए या मठ में गए वहाँ का प्रसाद जो होता है वो बेस्ट होता है. यहाँ जब भी गाइस हम आते हैं बहुत अच्छा लगता है हमें, पीसफुल फील. जब भी टाइम मिलता है शाम के वक्त हम दोनों यहाँ आते हैं, बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे भक्त हैं उनमें से ही हम. प्रसाद की टेस्ट बहुत ही अच्छी है, बहुत भीड़ है. प्रसाद हाँ इधर प्रसाद.